अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया की सबसे अच्छी पुलिस, दुनिया की सबसे मॉडर्न पुलिस, दुनिया की सबसे हाईटेक पुलिस आज एक बिल्ली की तलाश कर रही है, एक बिल्ली की खोज कर रही है, एक बिल्ली के पीछे पड़ी हुई है, तो सुनकर बड़ा ही अजीबोगरीब लगेगा, परंतु यह सच है। क्योंकि जब हम पोएम पढ़ते हैं तो पोएम की हमेशा प्रेजेंट बात को दिखाता है, पोएम हमेशा वर्तमान को दिखाता है। इसलिए आज हम इस पोएम में वर्तमान की बात करेंगे। जी, आपने ठीक सुना, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेकाविटी द मिस्ट्री कैट, 12th बिहार बोर्ड का यह जो है पोयम है, जिसको लिखने का काम किए हैं, कौन किए हैं, T.H. इलियट। इनको लिखा किसने है, T.H. इलियट। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि मेकाविटी द मिस्ट्री कैट की हिंदी क्या होती है। तो चलिए देखते हैं, मेकाविटी का नाम जो है, मेकाविटी एक बिल्ली का नाम है। किसका नाम है, बिल्ली का नाम है, यानी कि मेकाविटी एक नाउन है, और नाउन इसलिए है क्योंकि यह नाम है। तो किसका नाम है, यह एक बिल्ली का नाम है। और द मिस्ट्री, मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्यमय। क्या होता है मिस्ट्री का मतलब, रहस्यमय। तो अब आपके अंदर क्वेश्चन उठ गया कि सर रहस्यमय क्या होता है, तो रहस्यमय का मतलब होता है जिस भी चीज के बारे में इंसान को आधी जानकारी हो, आधी अधूरी जानकारी हो, और आधा कल्पना किया जाए। तो ऐसे कंडीशन में, ऐसे सिचुएशन में आप कहते हैं कि रहस्यमय है। तो यहाँ पर क्या है कि रहस्यमय, कैट का मतलब होता है बिल्ली। तो अब आप तो समझ ही गए होंगे कि नाम यानी कि मेकाविटी रहस्यमय बिल्ली है। मेकाविटी कैसी बिल्ली है, रहस्यमय बिल्ली है। कौन है रहस्यमय बिल्ली, मेकाविटी। तो चलिए आप जानते हैं कि मेकाविटी द मिस्ट्री कैट लिखा किसने है। तो इसको लिखने का काम किए हैं थॉमस स्ट्रेंज इलियट, जो काफी फेमस है T.H. इलियट के नाम से। किस नाम से फेमस है, T.H. इलियट के नाम से फेमस है। इनका जन्म 1888 में हुआ था, यानी 1888 ईस्वी में जन्मे थे। यह USA में, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इनकी जन्म हुई थी। बट किसी कारणवश ये क्या कर गए कि अमेरिका को छोड़कर इंग्लैंड में सेटल हो गए थे, इंग्लैंड में रहने लगे थे। कौन रहने लगे थे, T.H. इलियट। किस चैप्टर की बात हो रही है, मेकाविटी द मिस्ट्री कैट यानी एक रहस्यमय बिल्ली। अब ये क्या हुआ कि इनकी डेथ 1965 में हो गई थी, यानी 1965 ईस्वी में ये मौत इनकी हो गई थी, यानी कि T.H. इलियट का मौत हो गया था। इनको नोबेल प्राइज भी मिला, और वह मिला 1948 में। अब आपके अंदर एक क्वेश्चन हो गया कि नोबेल प्राइज क्यों मिला, लिटरेचर में इनकी कड़ी मेहनत और लिटरेचर में इनकी कड़ी लगन के कारण इनको नोबेल प्राइज मिला था, यानी कि अंग्रेजी भाषा के कारण इनको नोबेल प्राइज मिला था। T.H. इलियट एक ड्रामाटिस्ट भी थे, और ड्रामाटिस्ट यानी कि ये क्या करते थे, ड्रामा लिखा करते थे, और एक्टर्स के तौर पे ये जाने जाते हैं। एक एक्टर के तौर पे वो ड्रामा में काम भी किया करते थे। ये T.H. इलियट की अपनी खूबी रही है। तो अब हम लोग देखते हैं कि मेकाविटी द मिस्ट्री कैट यानी कि जो बिल्ली है रहस्यमय, ऐसा चैप्टर T.H. इलियट ने लिखा क्यों। इस संसार में बढ़ते हुए क्राइम को दिखाने के लिए इन्होंने सिलेक्ट किया एक बिल्ली की भावना को, बिल्ली के बारे में व्यक्त करते हैं, लेकिन इनका सीधा कहना तो इंसान को ही है। तो आप समझ जाइए कि इस चैप्टर में दिखाया गया है कि एक बिल्ली जो है वह इतनी डेंजरस है, इतनी डेंजरस है कि दुनिया की सबसे अच्छी पुलिस यानी कि स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस जो है तलाश कर रही है किसको, मेकाविटी को। अब आपके माइंड में क्वेश्चन उठ गया होगा कि स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस क्या है, तो मैं बता देता हूं आपका
ब्रिटेन का लंदन पुलिस है, लंदन की मुख्यालय को, लंदन पुलिस की मुख्यालय को, ब्रिटेन की सबसे मॉडर्न पुलिस को स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस कहा जाता है, और यह पुलिस आज तलाश कर रही है एक खूंखार क्रिमिनल, एक मास्टरमाइंड क्रिमिनल जो है मेकाविटी। मेकाविटी एक क्या है, बिल्ली है जिसकी तलाश दुनिया की सबसे हाईटेक पुलिस कर रही है। तो क्या यह पुलिस बिल्ली को खोज पाएगी, क्या यह पुलिस बिल्ली को क्राइम करने से रोक पाएगी, यह सारी बात, और फिर बिल्ली क्या क्या क्राइम करती है, यह सारी बात हम लोग क्या करेंगे इस पोएम के माध्यम से देखेंगे, जो क्या है कि टीएस इलियट के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इस पोएम की लाइन बाय लाइन हिंदी। लाइन बाय लाइन इस पोएम को पढ़ने से पहले आप इस पोएम की कुछ वर्ड को देख लीजिए और इसको याद कर लीजिए, ताकि पोएम की हिंदी समझने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट लाइन कहता है, मेकाविटी इज मिस्ट्री कैट, ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ, फॉर ही द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफी द लॉ। मेकाविटी एक रहस्यमय बिल्ली है जो हमेशा अपने पैरों को छिपाकर चलती है, दबाकर चलती है, ताकि आहट ना हो सके। कवि कहते हैं मेकाविटी एक मास्टर क्रिमिनल है। कैसा क्रिमिनल है, क्रिमिनल का सरदार है, आतंक का सरदार है। कौन है सरदार, मेकाविटी नाम की बिल्ली जो सभी नियमों को तोड़ती है। डिफी का मतलब होता है टुकड़ा टुकड़ा कर देना, तोड़ना, छिन भिन कर देना। तो यहाँ पर कहते हैं कवि कि सभी नियमों को तोड़ देती है। तो कवि क्या कहना चाहते हैं कि मेकाविटी एक रहस्यमय बिल्ली है जो मास्टर क्रिमिनल है, वह सभी नियमों को तोड़ देती है। नेक्स्ट लाइन में कवि कहते हैं कि ही इज द बफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, द फ्लाइंग स्क्वाड स्पेयर, फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, मेकाविटी इज नॉट देयर। वह जो है सरदर्द बन चुकी है, किसके लिए सरदर्द बन चुकी है, तो स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस के लिए सरदर्द बन चुकी है। स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस तलाश कर रही है, वही स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस है जो दुनिया की सबसे मॉडर्न पुलिस होने का तगमा लेकर घूमती है, दुनिया की सबसे हाईटेक पुलिस होने की बात करती है, जो आज एक बिल्ली के पीछे घूम रही है। वह कौन सी बिल्ली है, मेकाविटी। उसके लिए यह बिल्ली सरदर्द बन चुकी है, आज उसके सबसे चिंता का कारण बन चुकी है यह बिल्ली। आज स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस के मस्तक पर एक नाकामी की लकीर खींच दी है इस बिल्ली ने, जिस बिल्ली का नाम है मेकाविटी। क्योंकि जहां पर क्राइम हुआ है वहां पर स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस पहुंचती है, तो मेकाविटी वहां मिलती नहीं है। कभी कहते हैं वेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, मेकाविटी इज नॉट देयर। जब आप सीन ऑफ क्राइम पर पहुंचिएगा, जहां पर क्राइम हुआ है वहां पहुंचिएगा, मेकाविटी नाम की बिल्ली आपको मिलने वाली नहीं है, क्योंकि वहां से वह क्राइम करके निकल चुकी है। नेक्स्ट लाइन में कभी कहते हैं कि मेकाविटी मेकाविटी देयर इज नो वन लाइक मेकाविटी, मेकाविटी मेकाविटी, आज तक मैंने तुम सा बिल्ली देखा नहीं, तुम सा बिल्ली हो भी नहीं सकता, दुनिया में तुम्हारे जैसा कोई बिल्ली नहीं है। ऐसा टीएस इलियट कहते हैं, किस चैप्टर में कहते हैं, तब मेकाविटी द मिस्ट्री कैट चैप्टर में। ही इज ब्लॉकिंग एवरी ह्यूमन लॉ, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, हिज पावर ऑफ लिबरेशन वुड मेक अ फकीर स्टीयर। वह बिल्ली इतनी डेंजरस है, इतनी खतरनाक है कि मानव के बनाए हुए सभी नियमों को तोड़ देती है, छिन भिन कर देती है। आपकी मर्जी है तो आप चाहे जितना नियम बना लीजिए, परंतु एक बात याद रखिए कि यह बिल्ली सभी नियमों को तोड़ने में कैपेबल है,
सक्षम है। मानव तो मानव के नियम है, यह तो ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण का बल भी इसके ऊपर कोई काम नहीं करता, वह गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी तोड़ देती है। कवि तो यहाँ तक कहते हैं कि फकीर का जादू भी जो है, उसकी जो मैजिक है, उनकी कल्पना भी से भी ऊपर यह बिल्ली उठ गई है, क्योंकि यह बिल्ली जब छलांग लगाती है तो कुछ देर एयर में ही ठहर जाती है। इसकी छलांग इतनी लंबी होती है कि जादूगर वाले लोग भी बहुत परेशान हैं। समझ में नहीं आ रहा कि यह बिल्ली कितनी डेंजरस है, कितनी खतरनाक है, क्योंकि इसके ऊपर किसी का नियम चलता ही नहीं है। नेक्स्ट लाइन में कवि कहते हैं कि एंड वेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मेकावेटी इज नॉट देयर। और जब आप सीन ऑफ क्राइम पर पहुंचिएगा, जहां आतंक हुआ है, जहां पर क्राइम हुआ है, आप वहां पहुंचिएगा तो मेकावेटी वहां मिलने वाली नहीं है। यह इतनी डेंजरस, इतनी खतरनाक बिल्ली है जिसके बारे में टीएस इलियट चर्चा करते हैं। नेक्स्ट लाइन में कवि कहते हैं कि यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर, बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन मेकावेटी इज नॉट देयर। आप हो सकता है कि इस बिल्ली को अपने घर के बेसमेंट में देख लीजिए, हो सकता है कि यह हवा में दिख जाए, हो सकता है कि आपके अगल बगल में दिख जाए, परंतु मैं बता देता हूं कि यह बिल्ली आपको केवल एक और एक बार ही मिलने वाली है, दोबारा यह दिखने वाली यह बिल्ली नहीं है, क्योंकि वह बिल्ली वहां से भाग चुकी है, वहां से दूर जा चुकी है, इसका क्राइम खत्म हो चुका है वहां का, और वहां से यह निकल चुकी है। लेकिन यह जब चाहे तब आपसे मिल सकती है, परंतु आप जब चाहे इससे नहीं मिल सकते हैं, ऐसा टीएस इलियट कहते हैं। नेक्स्ट लाइन में कवि कहते हैं, मेकावेटी इज अ जिंगर कैट, ही इज अ वेरी टॉल एंड थिन। अब आप सोच रहे होइएगा कि मेकावेटी एक तगड़ी मोटी बिल्ली है, तो ऐसा भी नहीं है। मेकावेटी एक जिंगर कैट है, जिंगर का मतलब होता है दुबली पतली। मेकावेटी एक दुबली पतली बिल्ली है, यह बात टीएस इलियट कहते हैं, कोई तगड़ी बिल्ली नहीं है, किसी भी प्रकार की अलग दिखावट इस बिल्ली के अंदर नहीं है। यह सामान्य बिल्ली की तरह दिखती है और सामान्य बिल्ली की तरह चर्चा करती है, परंतु इसका जो कारनामा है वह सामान्य बिल्ली की तरह नहीं है, ऐसा टीएस इलियट कहते हैं। नेक्स्ट लाइन में कवि कहते हैं कि यू वुड नो हिम इफ यू सॉ हिम, फॉर हिज आई आर सकिन इन, हिज ब्रो इज डीपली लिंक्ड विद थॉट्स, हिज हेड इज हाईली डम्ड। अगर आप उस बिल्ली के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं बता देता हूं कि उस बिल्ली की आंख धंसी हुई है, वह बिल्ली देखने से डेंजरस लगती है, और अगर आपको दिख भी जाए, अगर उसकी आपकी आईब्रो आपको उसकी दिख जाए और लगे कि यह झुकी हुई है, तो आप ऐसा मत सोच बैठिए कि वह बिल्ली आराम कर रही है, वह किसी नए प्रोग्राम की, नए प्लान की व्यवस्था कर रही है, नए प्लान बना रही है, वह कोई गहरी सोच में डूबी हुई है, ऐसा मान लीजिए। कौन कहते हैं? टीएस इलियट। उसका जो सर है वह गुंबदाकार है, यानी गुंबद की तरह दिखता है, वह कौन बिल्ली है? मेकावेटी नाम की बिल्ली, जिसको लिखा किसने है? टीएस इलियट ने। नेक्स्ट लाइन में कवि कहते हैं कि हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम निगलेटेड, हिज विस्कर्स आर अनकम्ब्ड, he swaps his head from side to side with movement like a snake, and when you think he is half asleep, he is always wide awake. उसके शरीर के ऊपर जो बाल है, यहाँ पर कवि कहते हैं कि कपड़े से, कोट से उसके ऊपर जो बाल है वह गंदा है, वह बिना कंघी किया हुआ है, इधर उधर बिखरा हुआ बाल है उस बिल्ली के ऊपर। परंतु यदि वह बिल्ली कहीं आराम कर रही है, हो सकता है कि उसके पलके गिरी हो, तो आपको ऐसा लग सकता है कि वह बिल्ली सो रही है, तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल होगी,
क्योंकि वह बिल्ली कभी आराम नहीं करती, हमेशा जगी रहती है, कभी सोती नहीं है। कौन बिल्ली नहीं सोती है? मेकाव्हिटी नाम की बिल्ली कभी सोती नहीं है। कवि कहते हैं कि उसका जो हेड है, उसका जो सर है, वह हमेशा सांप की तरह एक साइड से दूसरे साइड मूवमेंट करता रहता है, मतलब मूव करता रहता है, घूमता रहता है, ठीक सांप की तरह। किसका हेड घूमते रहता है? मेकाव्हिटी नाम की बिल्ली का। नेक्स्ट लाइन में कवि कहते हैं कि मेकाव्हिटी मेकाव्हिटी देयर इज नो वन लाइक मेकाव्हिटी, फॉर ही फिन्स एंड फिलिसेप्स अ मोस्ट ऑफ डिप्रेविटी, यू मे मीट हिम अ बाय स्ट्रीट, यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, बट वेन अ क्राइम डिस्कवर देन मेकाव्हिटी इज नॉट देयर। कवि कहते हैं कि मेकाव्हिटी मेकाव्हिटी तुम्हारे जैसा बिल्ली मैंने नहीं देखा, तुम्हारे जैसा बिल्ली हो भी नहीं सकता, कोई दूसरा बिल्ली तुमसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेकाव्हिटी नाम की बिल्ली जो है वह राक्षस की तरह दिखती है, ऐसा टीएस इलियट कहते हैं। उसकी क्रूरता जो है वह इंसानों पर काफी ज्यादा भारी पड़ती है, उसको जो है दुनिया की सबसे अच्छी पुलिस खोज रही है। इसका मतलब है कि वह कितना क्रूर है आप अंदाजा लगा सकते हैं। हो सकता है कि वह आपसे किसी चौराहे पर मिल सकती है, हो सकता है कि वह कभी एयर में मिल सकती है, हवा में मिल सकती है। संभावना तो कभी ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि आपके घर में वह बिल्ली आकर एंट्री मार दे और आपसे मिल सकती है। यह सब हो सकता है जब वह बिल्ली चाहे तब, लेकिन आप जब चाहिएगा तब उस बिल्ली से नहीं मिल सकते हैं। और कवि कहते हैं कि जब से ही इंसान उसके क्राइम के जगह पर पहुंचे, जहां पर उसने क्राइम किया है, जहां पर उसने अपराध किया है, उस जगह पर पहुंचे, मेकाव्हिटी नाम की बिल्ली वहां मिलने वाली नहीं है। मेकाव्हिटी वहां से गायब हो चुकी है, मेकाव्हिटी वहां से भाग चुकी है तो क्या दुनिया की सबसे हाईटेक पुलिस, स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस, उस मेकाव्हिटी नाम की बिल्ली को पकड़ पाएगी? यदि हाँ, तो फिर कैसे, किस तरह, कहाँ पकड़ पाएगी, उसको किस क्राइम की तरह तहत पकड़ा जाएगा, वह कौन कौन क्राइम करती है, किस किस चीज की हत्या करती है, किस किस चीज की लूट मार करती है, इन सब बातों की चर्चा अब मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तब आप लोग बहुत कम देखते हैं, जिससे होता क्या है कि वह आधा आप छोड़ देते हैं तो आपको समझ में नहीं आता। इसलिए मैंने क्या किया, इसको दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मेकाव्हिटी द मिस्टिक एट पार्ट 1 और फिर सेकेंड आएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।